हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, लास्ट तक देखें। आज एक मसीही विश्वासी के मुंह से ज़्यादातर यही सुना जाता है कि ब्रदर जी, मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ फिर भी हो जाता है। देखिए मेरे प्रियो, शैतान को मालूम है कि एक मसीही किस पाप में गिरता है और शैतान उस मसीही विश्वासी को उसी पाप में गिराने की कोशिश करता है जो पवित्र होता है, जो यीशु के वचन पर चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करता है। शैतान उसी मसीह विश्वासी को पाप में गिराने के लिए जाता है। तब शैतान के पेट में खलबली मचती है कि अब या तो मसीह विश्वासी यीशु पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करके स्वर्ग चला जाएगा, और तब वह शैतान उस मसीही को उसी पाप रोग गिरवाना शुरू कर देते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप स्वर्ग जाएं, बस वह यही सोचता है कि मैं तो उस नरक में जाऊंगा और साथ में तुमको भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि शैतान का थोड़ा ही समय बचा हुआ है और समय भी थोड़ा बचा हुआ है, और शैतान भी अपना तीर बड़ी जोरों से चला रहा है, क्योंकि शैतान पहले ही से परमेश्वर की रचना से प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, समय थोड़ा ही बचा हुआ है, अपना जीवन एक दूसरे को देख देख कर मत बिताओ कि उसके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, अच्छा सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने उस मनुष्य को नहीं चुना है, आपको चुना है। जिसको परमेश्वर चुन लेता है, शैतान उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाता है कि अब यह मसीह यीशु पर विश्वास करके स्वर्ग चला जाएगा उद्धार प्राप्त करके, और तब वह शैतान उस मसीही को वही गलत गलत पाप करवाना शुरू कर देती हैं, और हमारे मसीही नौजवान उस शैतान की जाल में एक तड़पती हुई मछली की तरह फंस जाते हैं। वह मसीह उस शैतान की जाल से निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। मत्ती की पुस्तक 16:26 वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे उससे क्या लाभ होगा। मान लिया मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है और अच्छा सब कुछ है, और मैं मरकर नरक में ही चला जाऊं, तो वो पैसा किस काम का, वो धन दौलत किस काम की, वो शांति किस काम का। प्रकाशित वाक्य 20:15 वचन में लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। अगर आप अपना जीवन पापों में बिताते जा रहे हो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया जाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ जाएगी। तब उस नरक में करोड़ों सैकड़ों आत्माएं तड़पती होंगी। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ मेरे भाई, आपके घर में गैस सिलेंडर होगा ना, उसको जलाइए और उस पर अपना हाथ रखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी देर तक उस आग को बर्दाश्त कर पाएंगे। अरे जब यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो वहाँ की आग कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, जरा सोचा है आपने। यीशु ने कहा था, अवसर को बहुमूल्य समझो। यीशु स्वर्ग जाने से पहले एक बात कह गए थे कि कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें भरमाने ना पाए, तुम्हें पाप में गिराने ना पाए, इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना, क्योंकि वो तो उस नरक में जाएगा ही, क्योंकि परमेश्वर ने उसका न्याय पहले ही से कर दिया था। क्यों आप उसकी आवाज़ सुन के भैया नरक में जाना चाहते हो, वहाँ एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा मेरे भाई, हमेशा हमेशा के लिए और युगानुयुग के लिए डाल दिया जाएगा, और ऊपर से नरक का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा, जरा सोचा है अपने। अभी समय है, लौटो यीशु के पास, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। एक लड़की के चक्कर में अपना जीवन मत बर्फ खो देना मेरे प्रियो, मैं आपको हर वीडियो में चिल्ला के बता रहा हूँ, ठीक है भैया। यीशु ने कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है वह हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु ने कहा है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, तो आपका मसीह में जीवन चलना व्यर्थ है मेरे प्रियो, व्यर्थ है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करता है। परमेश्वर एक पापी से प्रेम करता है मगर पाप सेवा बहुत ही नफरत करता है, पाप सेवा हजारों किलोमीटर दूर रहता है। मैं पाप के ऊपर ज़्यादा वीडियो क्यों बनाता हूँ तो सुनो, क्योंकि पाप के जरिए ही आप नरक में जाओगे, क्योंकि पाप और पवित्र आत्मा आपके अंदर दोनों नहीं रह सकते मेरे प्रियो। पाप छोड़ दो सेक्स वीडियो देखना मेरे प्रियो,
कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे भैया, कब तक? क्या अंत नहीं? कभी तो इन सब पापों का अंत होगा, इसलिए समय है अभी। अभी आपके पास एक किरण है, अभी आप जिंदा हो, अभी आपके अंदर श्वास है, तो अपने जीते जी अपने पापों से मन फिरा लो और लौट आओ यीशु के पास, लौट आओगे यीशु के पास। वहाँ बहुत भयानक झील होगी जिसमें करोड़ों सैकड़ों आत्माएं तड़पती होंगी। नर्क में जाना अच्छी बात नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पर पसंदा छूट जाएगा। जो लोग आज गए हैं मरकर, जो लोग कल गए हैं मरकर, वे दुआ कर रहे हैं काश कोई यहाँ ना आए, मेरा परिवार ना आए यहाँ। बहुत हार्ड डाग होगी वहाँ की, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है मेरे प्रियो। उसने अपने हाथों में पैरों में कीले ठुकवाई, अरे हमारे पैरों में कांटा चुभ जाता है, इतना दर्द होता है मेरे प्रियो। उसके दर्द को महसूस करो मेरे प्रियो, महसूस करो। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के सहके अपने मसीह भाई बहनों के पास।